नंदुरबार येथे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसची युवा क्रांती यात्रा दाखल झाली होती. यावेळी दीनदयाल चौकात जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेला युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवचंद यादव यांच्यासह वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. सुरुवातीला वागेश्वरी चौफुलीवर या रथ यात्रेचे नंदुरबार युवक काँग्रेसच्या वतीनं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. तेथून ही यात्रा दीनदयाल चौकापर्यंत आली. या ठिकाणी जाहीर सभेत यात्रेचे रूपांतर करण्यात आलं. युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राम रघोंशी यांनी प्रथमच या सभेचे नेतृत्व करून भाषण केलं. बटमार मगर घर तो रखवालो ने लूटा, बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालो ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा, ससुराल चली जब डोली तो बारात द्वारे पर आई, नैहर को लौटी डोली तो बेदर्द कहारों ने लूटा, बेदर्द कहारों ने लूटा. कुछ आज यही स्थिति इस देश की है दोस्तों. जिनको रखवाली की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिनको कहारी की जिम्मेदारी दी गई थी, आज उन लोगों ने इस देश का जो हालत बनाया है, आज उन लोगों ने इस प्रदेश का जो हालत बनाया है, इस चिंता को लेके और उस पे उपजे हुए चिंतन को लेके हम युवा साथियों ने यह युवा क्रांति यात्रा की शुरुआत की है. युवा क्रांति यात्रा देश के अंदर किसानों और नौजवानों के बीच में जो हताशा का माहौल है, और इस हताशा के बाद दिल्ली से लेके देश के तमाम गलियों और इलाकों में जब इस देश के युवा संघर्ष करते हैं, जब इस देश के किसान संघर्ष करते हैं, और जब मीडिया के साथी सवाल करते हैं, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, कि आखिर क्या सोचते हो इन नौजवानों के बारे में, आखिर क्या सोचते हो इन किसानों के बारे में, तो अरुण जेटली जी बोलते हैं कि हमको किसान से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने आए हैं, उन्हीं का कर्जा माफ करेंगे, हम बैंकों के खजाने खाली कर देंगे, हम RBI और CBI को बर्बाद करेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करेंगे, 70 वर्षों में जो अलोकतांत्रिक और घृणित कार्य नहीं हुए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे. अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी का जो ये नारा है, उस नारे के खिलाफ एक लड़ाई है दोस्तों, और इसलिए एक यात्रा लेके हम लोग आज सड़कों पर निकले हैं. 15वां राज्य महाराष्ट्र है जहां हम लोग पहुंचे हैं.